गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल डे क्यों है मैं बताऊंगा कुछ देर में, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फाइनली आई एम ट्रैवलिंग। यस, सेकेंड वेव के वजह से बहुत कुछ प्लान का बैंड बच गया था, लेकिन फाइनली आई विल बी ट्रैवलिंग एंड आई एम गोइंग टू पुणे। यस, आज रात को हम निकलेंगे एंड पुणे में आई एम गोइंग फॉर वर्क प्लस वेकेशन वर्केशन। तो फाइनली विल बी ट्रैवलिंग। और एक बात है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ माई मैसेज टू द एयरलाइंस। एयरलाइंस वालों, कुछ तो शर्म करो। फ्लाइट का फेयर आप लोग इज गोइंग अप अप एंड अप एंड मैं एक महीने पहले पुणे का टिकट बुक कर रहा था। आई वॉज प्लानिंग टू गो बाय अ फ्लाइट, लेकिन एक महीने से, बिल्कुल आज के डेट से एक महीने पहले, द फ्लाइट फेयर वॉज 6,000 to 7,000। वॉट द हेल आर यू गाइज डूइंग, आई डोंट नो। सेकेंड वेव के वजह से आई नो द एयरलाइंस, ऑल द एयरलाइंस आर गोइंग थ्रू लॉसेज, बट ये क्या है भाई, ये क्या है, कुछ भी फ्लाइट फेयर, देयर इज़ नो लिमिट। और कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट जो प्लान है, आई एम गोइंग बाई ट्रेन टू पुणे। तो आज रात को 10 बजे को मेरा ट्रेन है, सो विल बी लीविंग। और आज का स्पेशल डे क्या है, लेट मी शो यू। तो आज सुबह सुबह एक गिफ्ट आया है मेरे पास, और इस गिफ्ट को अनबॉक्स करते हैं, फिर पता चलेगा आज का स्पेशल डे क्या है। सो इट्स अ लवली बॉक्स फ्रॉम फन्स एंड पेटल्स। इसके साथ एक मैसेज भी है, सो लेट मी ओपन इट। एंड इट्स रिटन ऑन माय विश्वास, आई फील सो लकी टू हैव अ ग्रेट ब्रदर लाइक यू, विशिंग यू अ बर्थडे फिल्ड विद स्पेशल मोमेंट्स, फन टाइम्स एंड एवरीथिंग दैट इज डियर टू यू। आई लव यू वेरी मच फ्रॉम दीदी भाई। सो हाँ, आज आपका भाई का बर्थडे है, ठोको ताली इस बात पे, ठोको ताली। तो आज बर्थडे है, तो इसको ओपन करते हैं पहले। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सिस्टर, दिस इज वेरी स्पेशल एंड वेरी सॉरी कि पार्टी आज नहीं हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, लेट मी कम बैक, उसके बाद धूम मचाएंगे तेरे साथ। एंड फ्रेंड्स, please shower me with your blessings and with your good wishes so that I can reach more milestones and create more amazing vlogs for you. And bas abhi tak ke liye itna hi, sham ko ready ho ke niklenge, uske baad aapse mulaqat karte hain. And sis, this is really special, means a lot, thank you so much. स्टेशन एंड आफ्टर मेनी ईयर्स वी बी ट्रैवलिंग इन ट्रेन। ट्रेन जर्नी का जो मज़ा है कुछ अलग है। लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विथ मी, क्योंकि इन ट्रेन, इफ यू आर इन ट्रेन एंड इफ आर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी ऑल टुगेदर, कहानी बनता है ट्रेन में। सो एक बात है, अगर दोस्त लोग रहते मेरे साथ और भी मज़ा आता, लेकिन क्या करें, जिंदगी ऐसा है, चलना है, ऐसे ही चलना है। तो जब दोस्त लोग होंगे तो बात अलग होता है, जब मैं अकेला हूँ, अकेला ही इसका मज़ा उठाएंगे। तो चलिए, 10 बजे को ट्रेन है एंड इट्स अराउंड 9 PM, एक घंटे में ट्रेन, बात करते हैं ट्रेन में। फाइनली मुझे सीट मिल चुका है एंड इट्स साइड लोअर।
ट्रेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं उसको पता है इस सीट का मज़ा, तो दिल में बहुत खुशी है, सफ़र बहुत लंबा है, तो अभी मूवी शूवीज देखेंगे, तो जुड़े रहिए इस सफ़र के साथ। कल रात साइड लोअर का जो मजा है एकदम, उसका लुफ्त उठा है, और अभी लेंगे चाय का चुस्की। और ट्रेन में चाय का चुस्की का जो मजा है वो तो कुछ अलग ही है। और आज का जो मौसम है बाहर का, अभी ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, चंपा जंक्शन जो है, जस्ट क्रॉस चंपा जंक्शन, और मस्त वेदर है, उसको दिखाते हैं। सही है, पूरा सफर एकदम सही जा रहा है, ट्रेन बैग ऑन टाइम पहुंचा लेते चाय का चुस्की ट्रेन में। सही है, तो आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी कॉल्ड साइलेंस ऑन Z5। काफ़ी अच्छा मूवी है और मनोज वाजपेयी तो एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं। और आज सुबह मैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आई गॉट टू नो, इट्स कॉल्ड डिजिटल गोल्ड। येस, यू कैन बाई गोल्ड ऑनलाइन, यू कैन गो टू upstocks.com, जो मैंने अभी देखा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट एंड आई सॉ कि यू कैन बाई डिजिटल गोल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1, या एंड योर मनी इज सेफ एंड यू कैन गो टू upstocks.com एंड यू कैन रीड मोर अबाउट इट। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पहले पता नहीं था जैसा भी कुछ है। सो ट्रेन जर्नी में एक तो चीज़ है कि आपका दिमाग खुलता है, दैट यू कैन सेटिंग, डोंट सेट आइडल, कुछ ना कुछ सोचते रहो, दिमाग में प्रेशर दो, बहुत कुछ आ जाता है दिमाग में। सो ट्रेन जर्नी इज something else. I always say this. Memories fade away, with or out, but I can't ignore the ache, lying deep underground. You must have lost your way, look around, all we can do now is pray, make it count. सो फाइनली पहुंच गए पुणे, और ऐसा लग रहा है कि 2000 करोड़ साल बाद घर से हम निकले हैं। ये 2 महीने जो घर में फंसे थे, बुरा हालत हो गया था सच में। एंड लाइक अ ट्रैवलर लाइक मी, आई एम लाइक ऑलवेज ट्रैवलिंग अराउंड द ईयर, एंड फाइनली राहत मिल रहा है, राहत। तो अभी पुणे का मौसम बहुत बहुत ही बढ़िया है, और बारिश भी होगा लगता है। चलिए होटल में जाके बात करते हैं आप। तो हम पहुंच चुके हैं होटल, और अभी जो हो रहा है ना, पूरा बॉडी हिल रहा है दाहिने बाएं, वो ट्रेन का जर्नी का जो सफ़र है ना, उसका अभी हैंगओवर चल रहा है। तो नहा वहा के फ्रेश होके आपसे बात करते हैं।